छतरपुर में रेत से भरे पलटे ट्रक के नीचे ड्राइवर का शव मिला। बता दें ये बड़ा मामला इस वक्त का छतरपुर से सामने आ रहा है, जहां रेत से भरे पलटे ट्रक के नीचे ड्राइवर का शव बरामद हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जांच भी की जा रही है। छतरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्राइवर का शव मिला। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम परा तिलवा तिराहा के पास रेत से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद ट्रक दो दिनों से बालू सहित भरा पलटा पड़ा रहा। बीते दो रात से ड्राइवर बालू के नीचे दबा हुआ था और लोग बालू की चोरी कर रहे थे। इस मामले में ट्रक मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बीते दिन ड्राइवर के परिजनों ने रोड पर जाम लगाया तो पुलिस ने शव को बालू से बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शाम को ट्रक लोड किया गया था सर्विस क्षेत्र से, और शाम को 3-4 बजे वहाँ से दो ट्रक रवाना किया गया था। ट्रक दोनों ट्रक कमलेश्वर पटेल की, और उसमें जो ड्राइवर था वो भराड़ी गांव का एक ड्राइवर था। उसमें रात में टायर पंचर होने के कारण उसने रात में लोग टायर चेंज करने के बाद दोनों ट्रक वहाँ से निकाले। रात में राजनगर के थोड़ा से इस तरफ कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रक पलट गया। उसकी सूचना ट्रक मालिक द्वारा नहीं दी गई, नाम मुनीम द्वारा। दूसरे दिन सुबह ये पता चला उनको, मालिक को उसका लोकेशन पता चला, ट्रक अपने गांव के यहाँ पलटा हुआ है। तब वो मौके पे जाकर उसमें लोड बालू खाली करवाया, और बालू खाली करवाते समय उसको ये पता चला कि ट्रक ड्राइवर जो है उसके नीचे दबा हुआ है। उसकी सूचना भी उसके द्वारा पटेल के द्वारा ट्रक मालिक के द्वारा नहीं दी गई, और रात में 12:30 बजे आज 2.5 घंटे में फ़ोन किया और उसका भी मोबाइल बंद कर दिया।